दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे फरिश्ते लेकर आया हूँ जो कि किसी भी शैतान से ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं, जिनको देखकर आप भी चौंक जाओगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सैमुएल। इस मेल एंजल को डेमन्स का राजा भी माना जाता है। बताया जाता है कि इस एंजल को उन बच्चों को मारना पसंद था जिन्होंने अभी तक धरती पर जन्म भी नहीं लिया था। यह हम लोगों को तब सताता था जब लोग बुरे काम करना शुरू कर देते थे, लेकिन इसका लोगों को सताना काफी ज्यादा निर्दयी हुआ करता था। सेराफीम। दुनिया में मौजूद कई धर्मों में इस क्रिएचर को गॉड गार्जियन माना जाता है, जिसके 4 पंख होते थे जिन पंखों के अलग अलग मकसद हुआ करते थे। जैसे ही उनका एक पंख हमेशा गॉड्स के सामने उसके फेस को कवर करता था, और कई पुरानी किताबों में इस बात का जिक्र है कि जो भी इंसान इस फरिश्ते के चेहरे को देख लिया करता था वो जिंदा नहीं रह पाता। कुशियल। इस एंजल को इसके एक और नाम एंजल ऑफ पनिशमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि जब भी गॉड को किसी भी इंसान को सबक सिखाना होता है तो वो इस एंजल को भेजा करते थे, जो अपने अंदर मौजूद आग की मदद से लोगों पर हमला करता था। यहाँ तक कि ये एंजल नर्क में मौजूद लोगों पर भी अपना कंट्रोल रखता था। लूसीफर। असल में लूसीफर वो एंजल था जिसने गॉड के खिलाफ लोगों को अपने साथ कर लिया, जो कि अपनी मर्जी से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, जो अपने इन्फ्लुएंस की मदद से बाकी एंजल्स को कंट्रोल करके उनसे अपनी मर्जी से काम करवाता था। पर जो इसकी बात नहीं मानता उसे वो नर्क में भेज देता था ताकि और कोई उसकी बात को ना मानने की गलती कभी ना करे। ट्रम्पेटिंग एंजल्स। ये वो 7 एंजल्स है जो अपने साथ बाजा रखती थी और जिन 7 बाजों के बजने पर इस दुनिया में काफी कुछ हो जाता था। यहाँ तक कि ये सारी दुनिया तब तक ही बची हुई है जब तक कि ये बाजे बजना रहे हो। कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा धरती पर गिरती है तो आप अनुमान लगा सकते हो किसी भी ट्रम्पेटिंग एंजल ने अपने बाजे को बजाना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।